इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 1400 आरपीएम मोटर का वाइंडिंग कनेक्शन। इस वीडियो में हम लोग साधारण सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन सीखेंगे कि आखिर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन 1400 आरपीएम मोटर का किस तरह से किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिकल कनेक्शन करके बताया था, पर इस वीडियो में हम आपको ये डायग्राम के थ्रू बताने वाले हैं कि सीरीज और ये पैरेलल कनेक्शन 1400 आरपीएम मोटर का कैसे किया जाता है। और हाँ, हम आपको इस वीडियो में पार्ट बाय पार्ट सभी जितने भी मोटर में कनेक्शन होते हैं सभी कनेक्शन के बारे में हम आपको पार्ट बाय पार्ट करके हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को सभी कनेक्शन के बारे में अच्छी तरह से जो है नॉलेज हो। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोई भी 1400 आरपीएम का मोटर जो होता है उसमें टोटल 12 कॉइल का सेट होता है और वह फोर पोल का मोटर होता है। तो हमने टोटल यहाँ पे 12 कॉइल का सेट बना दिया है। अब हम आपको इसे पैरेलल कनेक्शन करके दिखा रहे हैं। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और मेरा यह जो है ये वन लूप हो गया और इसका ऊपर वाला हमें लेकर 1 से 4 गिनना है और हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। 1, 2, 3, 4 हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मेरा यह जो लूप है यह हो गया A2। फिर से हमें 1 से 4 गिनना है। 1, 2, 3, 4 यहाँ हो गया। देखिए, 1, 2, 3, 4 हमारा यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा A1। और हमें फिर से यहाँ से लेना है 1 से 4 गिनकर हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। यह हो गया मेरा फिर से F2। तो देखिए, एक सर्किट का जो है कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमें क्या करना है, A1 को दोनों को लेकर आपस में कनेक्ट कर देना है। फिर से हमें A2 को लेकर यहाँ पे आपस में कनेक्ट कर देना है। मेरा यह एक लूप यह हो गया और एक लूप यह हो गया। एक सर्किट का कनेक्शन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें दूसरा सर्किट के कनेक्शन करने के लिए हमें यह कॉइल बीच में छोड़ देना है। फिर से हमें यहाँ से स्टार्ट कर देना है। यह हो गया B1। फिर से हमें यहाँ से लेना है 1 से 4 गिनना है। देखिए, 1, 2, 3, 4 हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। यह हो गया फिर से B2। फिर से हमें यहाँ से 1 से 4 गिनना है। 1, 2, 3, 4 यह हो जाएगा B1। और फिर से हमें 1 से 4 गिनना है। 1, 2, 3, 4 यह देखिए यह हो गया B2। तो देखिए, यह जो है A1 B2 हमने यहाँ पे दो सर्किट का जो है कनेक्शन किया है। तो हम अब क्या करना है, दोनों B1 को जो है आपस में कनेक्ट कर देना है। दोनों B1 को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। यह हो गया B1 का लूप और यह हो गया A1 का लूप। अब हमारा यहाँ जो है B2 है, तो हमें दोनों B2 को फिर से यहाँ आपस में कनेक्ट कर देना है। अब हमारा यह जो हो गया B2 लूप हो गया। हमारा दो सर्किट का कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हमें तीसरा सर्किट के कनेक्शन करने के लिए क्या करना है, जिस तरह से हमने यहाँ से एक कॉइल लिया था और दूसरा B1 को कनेक्शन करने के लिए बीच में एक कॉइल छूटा हुआ था, सेम उसी तरह सी का कनेक्शन करने के लिए हमारा यहाँ पे एक कॉइल बीच में छूटेगा और यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट होगा। यह हो गया C1। फिर से हमें 1 से 4 गिनना है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हमें यहाँ कनेक्ट कर देना है। यह हो गया C2। और फिर हमें यहाँ से 1 से 4 गिनना है। 1, 2, 3, 4 यहाँ हो जाएगा C1। फिर यहाँ से हमें 1 से 4 गिनना है। 1, 2 और अब यहाँ आएगा 3, 4। हमें क्या करना है, इस ऊपर वाले लेकर हमें यहाँ पे ऊपर वाले में कनेक्ट कर देना है। ये हो गया C2। अब हमें देखिए दोनों C2 को आपस में फिर से कनेक्ट कर देना है। देखिए, हमने C2 को कनेक्ट कर दिया। फिर C1 को जो है सेम इसी तरह से कनेक्ट कर देना है। देखिए, तो यह हो गया C2 का लूप और ये यहाँ जो है देखिए यह हो गया C1 का लूप। तो आप लोग जो है इसका भी कनेक्शन सीख गए। तीनों ये सर्किट का हमने आपको कनेक्शन पूरी तरह से फाइनल करके दिखा दिया। तो सीरीज कनेक्शन करने के लिए फिर से यहाँ पे हम 12 कॉइल का सेट बना दिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि देखिए, यहाँ से हम फिर कनेक्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं। यह मेरा फिर से हो गया A1। देखिए A1 और इसका दूसरा लूप जो है हमें दो कॉइल बीच में यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे देखिए हमें चौथा कॉइल में कनेक्ट करना है। 1, 2, 3, 4 यहाँ चौथा में कनेक्ट कर दिए। अब हमारा इसका दूसरा लूप जो है लेकर फिर से हमें बीच में दो कॉइल छोड़ कर यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। फिर से हमें दो कॉइल बीच में छोड़कर यहाँ पे चौथा कॉइल में हमें कनेक्ट कर देना है।
अब मेरा यहाँ पे जो देखिए लूप हो गया मेरा बी टू, यहाँ लूप जो है मेरा बी टू हो गया। अब हमें फिर से कनेक्शन, एक सर्किट का जो मेरा कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है, दूसरा सर्किट के कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, बीच में फिर से यहाँ एक कॉइल छोड़ देना है। अब हमें फिर से इस कॉइल से हमें स्टार्ट करना है। ये जो था ये ए टू था, हमने इसको बी टू कर दिया था। हमारा देखिए यहाँ पे जो है ये बी टू हो गया, ये बी वन हो गया, यहाँ पे बी वन हो गया। इसका दूसरा लूप हमें फिर से क्या करना है, दो कॉयल बीच में छोड़कर यहाँ पे चौथा में कनेक्ट करना है, एक दो तीन चार। फिर से इसका दूसरा लूप जो होगा यहाँ पे हमें कनेक्ट कर देना है, एक दो तीन चार, हमें बीच में दो दो कॉयल छोड़कर कनेक्शन करना है। फिर से हमारा इसका लूप जो यहाँ पे निकला हमें इसमें कनेक्ट कर देना है, एक दो तीन चार यहाँ पे पुर गया। अब मेरा यह जो हो गया यह मेरा बी टू हो गया, यह बी टू हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर से देखिए हमने इस कॉयल को बीच में छोड़ देना है, क्योंकि इसमें कनेक्शन भी किया हुआ है और इसे हमें लेना भी नहीं था। देखिए अब हमारा यह जो हो गया यह सी स्टार्ट, देखिए मेरा यह सी वन हो गया। इसका फिर से हमें दूसरा लूप को लेकर यहाँ क्या करना है, हमें दो कॉयल बीच में छोड़कर हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। फिर से इसका जो लूप बचेगा इसे, इस लूप को हमें क्या करना है, यहाँ पे लेके दो कॉयल बीच में छोड़ देना है, इसमें कनेक्ट कर देना है। इसका जो फिर से लूप निकला हमें दो कॉयल बीच में छोड़कर यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। देखिए एक और एक यहाँ पे दो कॉयल बीच में छूट गया, हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, सॉरी हमने इसे नीचे वाले में कनेक्शन कर दिया, इसे हमें ऊपर वाले में कनेक्शन करना था। देखिए हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। अब हमारा यह जो हो गया यह हो गया सी टू। देखिए यह जो है यह मेरा सभी लूप हो गया, एक दो तीन यहाँ पे हो गया, चार पाँच छः, यह मेरा टोटल छः लूप हो गया। तो आप लोग इसका भी कनेक्शन जो है अच्छी तरह से ज़रूर सीख गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो को हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे।